कल असद का जो एनकाउंटर हुआ सही हुआ गलत? भैया मुझे ना पता क्या हुआ। अरे यार क्यों दिमाग खराब, नहीं बोलना कुछ, लुट गया बकवास। तुम भी रो ना जाके वहाँ, जा जा। अरे भाई क्या हुआ, समझते है कोई? चुपचाप चलो। क्या हुआ मेरे भाई? क्या होगा यार, सुख रहोगा? बोलने के लिए मना किया गया क्या? नहीं आपको आपको क्या लगता है सही है? एक मिनट, असद का एनकाउंटर सही हुआ है? नहीं गलत हुआ है। अजय हमें नहीं पता, बता जो मनमानी हो रही वो हो रही है, हमें नहीं पता। मनमानी कौन कर रहा है? बस अब जाइएगा जो होना होने साले, उसको मारना बेकार है, क्यों मार दिया? ये उसका एनकाउंटर गलत हुआ है। माफिया तो सबसे बड़ा योगी है, 150 केस है माफिया। अतीक अहमद का बेटा असद और गुलाम को ढेर कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि पब्लिक क्या सोचती है, खासतौर पर उस यूपी की जनता जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, कि जब कहा जाता है दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या की गई थी, लोगों में खौफ पैदा हुआ था कि माफिया अगर दिन दहाड़े हत्या करेगा तो आखिर आम आदमी सुरक्षित कैसे रहेगा। लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि एनकाउंटर हुआ है वो सही है या गलत हुआ है, योगी सरकार पर लोगों को कितना भरोसा है। इस तरह मौजूद है क्योंकि आज जुमे की नमाज का आज टाइम है, आज शुक्रवार है, आगे पीछे लोग चल भी रहे हैं नमाज अदा करने के लिए, लगातार लोगों की भीड़ जारी है, लगातार लोगों को आना जाना है, लेकिन आज हम समझने का प्रयास करेंगे, टिप्पणी लेंगे। असद का एनकाउंटर हुआ सही हुआ गलत हुआ? भाई पता नहीं हमें, नहीं पता। बोलने के लिए मना किया गया? कुछ पता ही नहीं हमें, हम क्या पता नहीं। ओके ओके। अरे यार क्यों दिमाग खराब, ये असद का एनकाउंटर सही हुआ? नहीं बोलना कुछ, लुट गया बकवास। क्या हो गया, घर लुट गया? तुम भी रो ना जाके वहाँ, आप रोएंगे? एक मिनट, असद का एनकाउंटर सही हुआ है? भाई अभी तो नमाज पढ़ने जा रहे थे। आपको सही लगता है हुआ है? भाई नहीं गलत हुआ है। अच्छा ऐसा क्यों लगता है भैया, असद का एनकाउंटर जो हुआ है असद का वो ठीक है क्या? भाई हमें क्या पता भैया, ठीक है खराब है, जो होना होने साले। नहीं लगता कि अगर माफियाओं पे जैसे योगी ने कहा है कि भाई मिट्टी में मिला देंगे, उसको मारना बेकार है, क्यों मार दिया? तो अगर उसने उमेश पाल की हत्या की तो ठीक है? वो मेवात के अंदर जो उन्होंने हत्या की, क्या नाम है उसका, जुनैद नासिर, हाँ जो हत्या हुई तो उसको भी मार दो, उसके कातिल को भी मार दो। नहीं फिर आप कहते हैं कि उमेश पाल की जो हत्या हुई वो ठीक थी? फिर दिन दहाड़े अगर प्रयागराज में हत्या की गई उमेश पाल की तो क्या वो ठीक थी? नहीं वो भी ठीक नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी कह रहे हैं कि अगर गोली से इंसाफ मिलेगा तो जज साहब क्या करेंगे? अरे कानून है, कोर्ट है, सब है। जा जा जा। अरे भाई क्या हुआ, समझते है कोई? चुपचाप चलो। क्या हुआ मेरे भाई, कोई दिक्कत है क्या हमसे? कुछ लोगों से बात करने आए हैं कि अगर असद का एनकाउंटर हुआ है तो सही हुआ है गलत हुआ है? अजय हमें नहीं पता, जो मनमानी हो रही वो हो रही है, हमें नहीं पता। मनमानी कौन कर रहा है? बस अब जाइएगा। नहीं मनमानी कर कौन रहा है ये बताइए, जाइएगा आप। असद की मनमानी लेने आए, असद की पूछ रहे हैं वो सही हुआ है गलत हुआ है एनकाउंटर हुआ है तो? सही हुआ, जो बुरा काम करेगा तो यही अंजाम होगा। ओबीसी कह रहे हैं कि नहीं साहब गोली से इंसाफ होगा तो फिर जज साहब क्या करेंगे? सबके साथ होना चाहिए ना, कोई भी गलत है चाहे कोई भी सही हो। किसके साथ नहीं हो रहा है? सबके साथ होना चाहिए ना। तो अतीक का भी एनकाउंटर होना चाहिए, माफिया है तो? हाँ जो अगर गलत है तो सबके साथ गलत होना चाहिए। तो आप मानते कि असद के साथ जो हुआ सही हुआ है? हाँ जब किसी को मारेगा तो भाई मौत तो उनकी भी आएगी। जी शुक्रिया, थैंक यू। अतीक अहमद का जो बेटा है उसको मारा गया है एनकाउंटर में, क्या वो सही हुआ है? क्यों मारा, कब मारा, मुझे क्या मालूम क्यों मारा? अच्छा नहीं पता। अतीक अहमद का नाम सुना है आपने? नहीं नहीं। योगी का नाम सुना है आपने? हाँ योगी तो भाई मुख्यमंत्री है। योगी कैसा काम कर रहे हैं? सही कर रहा है योगी, कह रहे हैं हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अतीक का काम खेल खेल ले, जातिवाद का खेल खेल ले, कोई दूसरा खेल नहीं खेल रहे हो। कौन खेल रहा है? योगी आदित्यनाथ जिसको कहते हैं, योगी आदित्यनाथ गंजा जी, जातिवाद का खेल खेल ले, जानबूझ के उसे मारा है, एनकाउंटर में नहीं मारा, कहीं दूसरी जगह मार के घेर दिया है। दीवार है सामने, दीवार है जिधर से गाड़ी बता रहे के उधर से फोर्स सारी गाड़ी लेके टोक फोर्स, दीवार कूद के आ जाएगी गाड़ी, कहाँ से आ जाएगी, कहाँ से आ जाएगी? मासूम को मार दिया, मासूम था वो बच्चा, जो बड़े क्रिमिनल है वो तो पकड़े नहीं जा रहे, मासूम मासूम को मार रहे पकड़ के, क्यों मार रहे? एक तरफा खेल खेल ले। उसने उमेश पाल की हत्या की थी दिन दहाड़े? उसने नहीं की, देखा है वीडियो में क्लियर नहीं दिखाया उसे, क्लियर नहीं दिखाया है। दो डेढ़ महीने से देख रहा हूँ मैं समाचार डेली, क्लियर नहीं दिखाया उसे कि वो ही गोली मार रहा है। तो असद को गलत फंसाया गया? गलत फंसाया, उसकी पूरी फैमिली को फंसा रहे, जो इसके है जिम्मेदार हैं उन्हें पकड़े हैं, पूरी फैमिली को, लेडीज भी क्रिमिनल है, लेडीज भी क्रिमिनल है, क्या लेडीज क्रिमिनल है? जो सीसीटीवी फुटेज आए थे, चाहे वो रिकॉर्डिंग के जरिए सामने आया है, उसमें 9 लोग सामने आए हैं अब तक, उसमें 4-3 और 5 का एनकाउंटर हो चुका है। तो वो तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मार देगा, सबको आतंकवादी बना के मारेगा, उसका क्या है?
वो तो सबको मारेगा। हम तो सबका साथ और सबका विकास। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, जिस दिन लाठी पड़ेगी ना कीड़े चुगने वाला मिलेगा नहीं, उसके कीड़े चुगने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, ऐसा होएगा। वो तो कह रहे हम तो माफिया कोई भी होगा, माफिया कोई भी होगा, यूं खुद है माफिया, तो यूं खुद है, यूं खुद माफिया है। जितना भी गुरु का है ना, योगी क्या, योगी क्या, जितने भी बीजेपी वाले सारे माफिया, तो सबसे बड़ा योगी है। 150 केस है माफिया पे, इस पे अमित शाह पे कितने केस हैं? ये भाई बड़े आतंकवादी हैं, खुद आतंकवादी हैं, दूसरों को आतंकवादी बता रहे हैं, खुद ही आतंकवादी हैं, आतंकवादी को जन्म दे रहे हैं खुद ही। हाँ भाई, तो माफियाओं का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, माफियाओं को होना चाहिए, जो गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है उसे मारो, लेकिन देख के तो मारो। उमेश पाल की जो हत्या दिन दहाड़े की गई थी वो सही थी, गलत है वो, गलत है वो, गलत एनकाउंटर, एनकाउंटर जो हुआ है वो फिर सही है, वो गलत है, जो एनकाउंटर गलत हुआ, ये उसका एनकाउंटर गलत हुआ है। नवाज का टाइम हो रहा है, हाँ नवाज का टाइम हो रहा है। सर असद का एनकाउंटर सही हुआ है क्या? पता नहीं भाई इसके बारे में। ओके, एनकाउंटर हो रहे, सही हो रहे हैं, नहीं बोल रहा, बोलते क्यों नहीं ये लोग? हम पूछते, लोग बोलते रही है। अंकल असद का जो एनकाउंटर हुआ सही हुआ गलत? भैया मुझे ना पता क्या हुआ, अगर वो गलत था तो सही हो गया, और अगर वो सही था तो गलत हो गया। नहीं, वो तो सीसीटीवी में दिखाया गया ना कि उमेश पाल की हत्या, मुझे नहीं पता क्या हुआ। हां हमने भी नहीं, सीसीटीवी में ये तो पुलिस की जांच में आया ना। मैं कैसे कह दूं ये बताओ, लेकिन माफिया कोई भी हो मिट्टी में मिलना चाहिए, माफिया अगर है तो मिट्टी में मिलना चाहिए, बात खत्म हो। तो योगी अगर कह रहे तो सही कह रहे, मुझे क्या पता आप क्या कह रहे हो, वही कह रहे ना मिट्टी में मिलना चाहिए। हां तो अगर है तो मिलना चाहिए, अतीक अहमद माफिया है या नहीं है मुझे क्या पता, मेरे सामने खड़ा के उसने कोई काम। उमेश पाल को तो चर्चा कर रहे हैं सब, उमेश पाल का चर्चा कर रहे हैं बिहार के अंदर, बिहार के अंदर 15 सही था वो, पाक में आग लगा नहीं नहीं चर्चा कर रहा हूं भैया, ना तो मुझे उमेश पाल का पता कि वो सही था या गलत था, ना मुझे भरोसा किस पे, कानून पे है, संविधान पे है, सरकार पर है, सना करेंगे तो कहां जाओगे, कानून नहीं बताया ना, लेकिन है तो ठीक है, बस और क्या है, कानून ने तो आरोपी बनाया, या अगर वो गलत था तो सही हो गया, बात खत्म है यार, अब नमाज का टाइम है, क्या होगा यार, सुधर होगा, बोलने के लिए मना किया गया नहीं, आपको आपको क्या लगता है सही है गलत हुआ है? हाँ सही हुआ भैया, उसका और क्या हुआ, जैसा करेगा ऐसा भरेगा। ओवैसी कह रहे हैं कि एनकाउंटर अगर पुलिस गोली से इंसाफ मिलेगा तो जज क्या करेंगे, ये तो अल्लाह ही जान सकता भैया, हमने कह सकते इस मामले में। नहीं, आपको लगता है कि एनकाउंटर ही इलाज है? ये तो हमें क्या पता, अब जैसा करा प्रशासन होता है, हम प्रशासन से बढ़ के कैसे हो जो भी, अतीक का भी एनकाउंटर होना चाहिए, अतीक का भी एनकाउंटर होना चाहिए, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा भाई, आप इसे सही मानते हैं बताइए? हमें तो सही लगता है, हम कौन कहे किसी को, शुक्रिया, थैंक यू, ठीक हो रहा है क्या? सब नमाज के लिए जा रहे हैं।